तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही आसान सुपर सॉफ्ट सुपर टेस्टी दानेदार कलाकंद की रेसिपी, जो कि बनाना है बहुत ही आसान, झटपट में बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसमें बिना झंझट किसी चीज़ की इसमें झंझट नहीं है, कम समय में कम सामान से घर के कुछ ही सामान से बनके तैयार हो जाती है। बिना मावा, बिना चीनी, बिना चाशनी, बिना घी के इससे हम बनाएंगे। इसमें यहाँ पे हम दूध को दो बार लेंगे, दो बार में इसे हम अलग अलग बॉयल करेंगे। यहाँ पे मैं पैकेट वाली फुल क्रीम 1 लीटर दूध ली हूँ। इसमें दूध आपको फुल क्रीम ही दूध लेना है, जो नॉर्मल सबके घर पे आती है वो भी दूध आप ले सकते हैं, बस फुल क्रीम उसमें होना चाहिए। यहाँ पे पहली बार में हम दूध को अच्छे से बॉयल करेंगे। जब अच्छे से गाढ़ा हो जाए, थोड़ी से दूध कम हो जाए, 900 ml 800 ml के करीब जब बच जाए, तो उससे हम साइड कर देंगे ठंडा होने के लिए। उस पर पतली एक मलाई की परत आ जानी चाहिए, तब तक उसके हम साइड कर देंगे। फिर यहाँ पे 1/2 लीटर हमने फिर से दूध लिया। जब वो बॉयल होने लगे तो फिर ऊपर से इसे मलाई वाली दूध को हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे पूरे हमारे दूध का क्वांटिटी हो गया 1.5 लीटर। 1.5 लीटर दूध से इससे हम बनाएंगे ढेरों सारे कलाकंद, और बहुत ही आसान तरीके से। जब कुछ समझ में नहीं है किसी ओकेजन पर, जैसे भी रक्षाबंधन आने वाला है, किसी भी खास ओकेजन पर आप जब भी बनाना चाहते हैं, तो झटपट में ईजी तरीके से आप इससे कलाकंद को बना सकते हैं। बहुत ही जूसी बनती है, बहुत ही दानेदार और सॉफ्ट बनती है। कि आप एक बार बनाएंगे तो इससे बार बार बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इसे ब्रेड से बनाएंगे। यहाँ पे 7-8 पीस के करीब हमने ब्रेड लिया इसे बनाने के लिए। अब इससे हम ब्राउन भाग को हम साइड से इसे कट करके चाकू की मदद से बीच में हल्के से हाथ से दबाएंगे, और चाकू की मदद से साड़ी को हम ब्राउन भाग को कट करके हटा देंगे। अब इसे छोटे छोटे पीसेज में हम कट करके इसे मिक्सर में डालेंगे, और इसे ज़्यादा पतला महीन नहीं बनाना है। इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। इसे दरदरा सा हम इससे एक पाउडर की तरह तैयार करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। सेम इसी तरीके से अब इसे तैयार करना है। जब दूध उबलते रहे, कुछ दूध उबल जाए, जब यहाँ दूध कुछ मतलब 250 ग्राम करीब जब दूध इसमें गाढ़ा हो जाए, जल जाए, तब इससे यहाँ पे पाउडर को इसमें ऐड करना है, और लगातार इससे चलाते रहना है। यहाँ पे कुछ हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आपके पास जो अवेलेबल ड्राई फ्रूट्स उससे लें, और उसे क्रश करके इसमें हम लास्ट में डालेंगे। यहाँ पे गैस फ्लेम को ध्यान रखना है, नहीं लो रखना है ना हाई रखना है, मीडियम पे इससे गैस फ्लेम को हम रखेंगे। अब यहाँ पे क्रश किए हुए हमने इसमें बादाम डाले, यहाँ पे क्रश करके इसमें हम काजू ऐड करेंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है, ऐसे ऑप्शनल है, आप जितना ज़्यादा डाल सकते हैं बहुत अच्छा होगा, कम डालें, जितना ज़्यादा ऑप्शनल है, जितना ज़्यादा डालेंगे जितना अच्छा होगा। अब इससे हम लगातार चलाते रहेंगे बिना ब्रेक, इससे हम रुक रुक के एक मतलब लगातार इसे चलाते रहेंगे। ये चलाते जब गाढ़ा हो जाए, इसे ज़्यादा जलाना नहीं है। जब आप इस कलाकंद को इस तरीके से बनाएंगे, तो पहली बार में ही 110% आपके कलाकंद एकदम परफेक्ट बनेंगे, बहुत ही सॉफ्ट दानेदार बनेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, मस्ट ट्राई रेसिपी है, एकदम हलवाई जैसे पहली बार में परफेक्ट आपके कलाकंद बन के तैयार होंगे। जब कोई खास मौके पर, किसी ओकेजन पर, जब आपको कुछ समझ में नहीं है कि जल्दी से मैं कौन सी मिठाई बनाऊं, क्या बनाऊं, और सबको बेहद पसंद आए, तो बहुत ही इजी सी ये रेसिपी, इसे झटपट में आप बना के इसे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे चीनी हमने इसे पाउडर तैयार करके डाले, आप ऐसे भी इसे डाल सकते हैं, या चाहें तो मिक्सर में इसे महीन बारीक सा पाउडर बना के तैयार करके इसे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप चीनी कितने क्वांटिटी में डालेंगे, आप कितने मीठा खाते हैं, उस अनुसार आप डालें। यहाँ पे हमने 150 ग्राम के करीब इसमें चीनी ऐड किया, क्योंकि थोड़ी सी मीठी होनी चाहिए, बट आप कितना ज़्यादा कम मीठा पसंद करते हैं उस अनुसार आप इसमें चीनी ऐड करें, ज़्यादा या कम, आप अपने क्वांटिटी के अनुसार कितने क्वांटिटी में आप इसे कलाकंद को बना रहे हैं उस अनुसार आप डालें। अब यहाँ पे ऊपर से हम गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट से। यहाँ पे क्रश किए हुए बादाम कुछ हमने और अलग से क्रश करके रखे थे, और यहाँ पे पिस्ता भी हमने क्रश करके ही ऊपर से डाले, आप कट करके भी डाल सकते। मिश्रण डालने से पहले ग्रीस कर लें इससे घी से, और तब इसमें मिश्रण को आप ऐड करें। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो उसे ऊपर से एक लेयर में डाल दें, और इसे हल्के हाथों से दबाकर सेट होने के लिए छोड़ दें। आप चाहें तो इसके ऊपर से एक लेयर आप चांदी वर्क भी लगा सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने में लगेगा, या आप ऐसे भी ड्राई फ्रूट से भी इससे आप सजा सकते हैं। कलाकंद की सबसे आसान सी रेसिपी मैं शेयर की हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ब्रेड की कलाकंद की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं,
कहीं ले जा भी सकते हैं, किसी मौके पर इसे बना करके एंजॉय कर सकते हैं। तो इसे बनाइए और पूरे परिवार के साथ इसे एंजॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि हमारी कलाकंद की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। तो इस रक्षाबंधन पर इसे ज़रूर बनाएं और एंजॉय करें। चलिए दूसरे कलाकंद की तरफ चलते हैं। बिना छेना फाड़े, बिना मावा, बिना चाशनी, बिना चीनी, बिना घी, बिना मिल्क पाउडर के इसे हम तैयार करेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। आप सभी को बेहद पसंद आएगा। आप इसे ज़रूर बनाएं इस रक्षाबंधन पर, इसे ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसान सी रेसिपी कलाकंद की आप सबके लिए लेकर मैं आई हूँ। इतनी जूसी बनती है, इतनी स्वादिष्ट बनती है और बनाना बहुत ही आसान है। कम सामान से कम समय में आप झटपट इसे घर पे बना सकते हैं, किसी ओकेजन पर बना सकते हैं और बिल्कुल ये ख़राब नहीं होती, झटपट में तैयार हो जाती है। हाय, मैं मुसीमा, स्वागत करती हूँ आपको अपनी कुकिंग चैनल में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, तब आप पहली बार में 110% इसे हलवाई की तरह परफेक्ट इससे बना पाएंगे और बहुत ही सुपर टेस्टी आपके कलाकंद बनके तैयार। और सबसे ज़रूरी बात, हमारी वीडियो अगर आप सभी को पसंद आती हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ दूध को हमने अच्छे से बॉयल कर लिया। अब यहाँ पे हमने 300 ग्राम के करीब यहाँ पे हमने बाजार वाली पनीर ली हूँ। अब इससे मिक्सर ग्राइंडर में इससे दरदरा सा हमने, जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए ज़्यादा इससे महीन पेस्ट हम नहीं बनाना है, हमें इसे दरदरा सा क्रश कर इसे प्लेट में हम अलग करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना दरदरा सा ये बना। इससे कलाकंद हमारे बहुत ही दानेदार और बहुत ही टेस्टी और जूसी दोनों बनेंगे। जब ये दानेदार रहेंगे तो बहुत ही जूसी हमारे कलाकंद बन के तैयार होंगे। और दूध यहाँ पे अच्छे से बॉयल हो चुका है। दूध यहाँ पे 200 ml इसमें से दूध कम हो चुका है, 800 ml दूध हमारे बचे हैं। तब हम इसमें यहाँ पे पनीर ऐड किए हैं। पनीर आप घर पर भी छेना फाड़ के बना सकते हैं और इजी अगर बनाना झटपट में चाहते हैं तो मार्केट वाली पनीर भी आप ले सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और दानेदार हमारे कलाकंद बनके तैयार होंगे। आप कितने क्वांटिटी में बना रहे हैं, यहाँ पे हमने 1 kg दूध और 300 ग्राम के करीब हमने यहाँ पे इसमें पनीर डाले। आप कितने क्वांटिटी में बना रहे हैं उस अकॉर्डिंग आप पनीर डालें। 2 kg दूध का अगर बना रहे हैं तो 600 ग्राम या 1/2 kg आप पनीर ऐड कर सकते हैं। अब गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे, थोड़े से इसे हम हल्के से गोल्डन होने देंगे, ज़्यादा नहीं। आप चाहें तो इतने पर भी गैस को ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़े से गोल्डन होने दिए। अब यहाँ एक प्लेट को हम घी से ग्रीस कर लेंगे और सेट होने के लिए इस पर पूरे पे फैला देंगे। आप ट्रे में, प्लेट में या जो भी आपके पास, मतलब जिसमें आप बनाना चाहते हैं उस पर आप इसे सेट कर सकते हैं। उसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर से एक लेयर डाल देंगे। आप चांदी वर्क भी लगा सकते हैं या जो ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो आप उससे आप इस पर डाल सकते हैं और बना सकते हैं। कमाल के इसके टेस्ट होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप किसी भी ओकेजन पर झटपट में बनने वाली ये पनीर से बनने वाली कलाकंद की रेसिपी मैंने आप सबके साथ शेयर की हूँ। उम्मीद करती हूँ कि हमारी कलाकंद की रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अभी कट करके एकदम करीब से जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ कितने दानेदार और जूसी हमारे बन के तैयार हुए हैं कलाकंद। आप इस बर्फी कलाकंद को लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप कहीं भी जा रहे हैं तो इसे ले जा सकते हैं। आपके खुद के बने हुए हाथों कलाकंद की मिठाई की बात ही कुछ और है और हर लोग आपकी तारीफ करते नहीं थे। झटपट में बनने वाली और बहुत ही आसान पनीर कलाकंद की रेसिपी मैंने आप सबके साथ शेयर की हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। तो बिना देर किए शुरू करते हैं बेसन की बर्फी, अगला मिठाई। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ सभी का फेवरेट त्योहारों की खास मिठाई, जो कि मार्केट से कई गुना बेहतर, 100% शुद्ध, हजारों रुपया खर्च करने के बाद भी ऐसी शुद्ध और स्वादिष्ट मिठाई आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, जो कि आपको खुद के हाथ से बनाए हुए मिठाई में जो टेस्ट है, जो स्वाद है, जो शुद्ध है, वैसी मिठाई आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। हाय एवरीवन, मैं हूँ सीमा, स्वागत करती हूँ आपका अपने कुकिंग चैनल में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगती हो, रेसिपी पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करती हूँ। यहाँ पर हमने 500 ग्राम चने के दाल लिए हैं, जिसको अच्छे से साफ करके ओवरनाइट भिगोया हुआ चना दाल है, जिसमें हल्का सा बेकिंग सोडा इसमें डाला हुआ है चुटकी भर, और इसे एसी के सामने हमने आधा घंटा के लिए इसे सूखने के लिए डाल दिया, जो कि सिर्फ इसमें से पानी सुखाना है। अब यहाँ हम गैस को ऑन कर लिए, इस पर कढ़ाई चढ़ा दिए
इसमें हम रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं इसको फ्राई करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए इसमें से अच्छे से पानी, टोटल पानी निकल चुका है। हमें इसे ज़्यादा नहीं सुखाना है, सिर्फ पानी इसमें का हल्का सा पानी अच्छे से सूख जाए। यहाँ पे हम सारे चना दाल को एक साथ फ्राई नहीं करेंगे, इसे तीन भाग में करके, थोड़े थोड़े करके, तीन पार्ट में, हाफ के जी है, तीन बार में इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस फ्लेम को लो रखेंगे, ज़्यादा तेज नहीं करेंगे कि जल ना जाए, ऐसे मीडियम फ्लेम पे, लो फ्लेम पे अच्छे से ही सिक जाएगा, अच्छे से पक जाएगा। यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अच्छे से फ्राई हो चुका है चना दाल, इसे हम एक बाउल में, बड़े बाउल में निकाल लेंगे। अब यहाँ पूरा चना दाल देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है फ्रेंड्स। इससे हम ग्राइंडर में सबको पाउडर तैयार कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा पीस के तैयार हुआ है, अच्छा सा ग्राइंड हुआ है। फिर एक बार इसे हम मिक्सर डाल में फिर एक बार इसे चलाएंगे। अब यहाँ छन्नी से हम साड़ी को छान लेंगे। हम इस चने दाल की बर्फी को बिना चाशनी के, बिना चाशनी को बनाएंगे, एकदम आसान तरीके से। बनाना बहुत ही आसान है, बिना झंझट आप आसानी से इसे घर पे बना सकते हैं। महंगी मिठाई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती, जितना टेस्टी जितना स्वादिष्ट बनता है। यहाँ पे चीनी हमने 400 ग्राम लिया है, हाफ के जी बेसन है तो 350 ग्राम, 400 ग्राम करीब चीनी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कितना मीठा खाते हैं उस अनुसार आप चीनी के पाउडर यहाँ तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने बादाम कुछ लिए हैं दाने, इसे हम हल्का सा दरदरा कर लेंगे। यहाँ पर काजू लिए हैं हमने, इसे भी क्रश कर लेंगे। यहाँ पे हमने खल में काजू क्रश कर लिए हैं, मिक्सर ग्राइंडर में इसे क्रश कर लिए हमने। एकदम परफेक्ट मिठाई बेसन की बर्फी, जो कि ज़्यादातर तो लोग मार्केट से ही लेते हैं। घर में बनाना बहुत ही झंझट लगता है, चाशनी बनाना, रेशियो पता नहीं होता, क्वांटिटी कितना है तो पता नहीं होता। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है चने दाल की, बेसन की बर्फी बनाने में, बिना चाशनी बनेगी मिनटों में। हम इसको बनाएंगे क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग इसे आप रख सकते हैं, 2-3 महीना तक ये बिल्कुल बर्फी खराब नहीं होने वाली है, एकदम फ्रेश रहेगी 2-3 महीने तक, क्योंकि इसमें कहीं भी पानी का यूज नहीं है। अब इसमें ड्राई फ्रूट जो हमने क्रश करके डाले थे, बादाम उसको ऐड करेंगे, काजू जो क्रश करके डाले थे उससे ऐड करेंगे इसमें हम, और अच्छे से इस सबको मिलाएंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम अच्छे से भूनेंगे। अब यहाँ पे तैयार हो चुका है, गैस फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। यहाँ इलायची पाउडर हमने इसमें ऐड कर रहे हैं, इलायची पाउडर डालेंगे। अब इसमें जो पाउडर तैयार करके चीनी का जो डाले थे उससे हम डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं इसमें चीनी। अब इस सबको अच्छे से मिलाएंगे फ्रेंड्स। आप जब भी इस बर्फी को, लड्डू को बनाएं बेसन से, चने दाल से, एक चीज़ ध्यान जरूर रखिए कि इसमें सरसों तेल बिल्कुल ही यूज नहीं करें। आप इससे पूरा कोशिश करें कि घी में ही बनाएं, अगर घी में नहीं तो आप रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं, क्योंकि उसका कोई स्मेल नहीं है। और मस्टर्ड ऑयल जो है उसका खुद का स्मेल होता है, जो कि बिल्कुल टेस्टी नहीं बनेगी, बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं बनेगी। तो आप घी में ही इससे बनाएं, और इसका लॉन्ग लास्टिंग है, ये कभी ख़राब नहीं होगा। चीनी पाउडर डालने के बाद फिर 3 चम्मच हमने इसमें बड़े चम्मच घी ऐड किए। इसमें हमको पानी कहीं भी यूज नहीं करना है, सिर्फ घी में ही तैयार करना है, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग, हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब होने की तो कोई चांस ही नहीं है। 1-2 महीना यूं ही आप इसे रख सकते हैं, एकदम फ्रेश रहेगा, जैसे कि अभी अभी का बना ताज़ा हो। फ्रेंड्स एक थाली में हम इसे घी से ग्रीस कर लेंगे, शुद्ध घी से। अब जो भी हमने यहाँ तैयार करके रखे हैं सारे मिश्रण को हम इसमें डाल देंगे थाली में। फ्रेंड्स आप ज़रूर इसे ट्राई करें, मस्ट ट्राई रेसिपी है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप एक बार बनाएंगे, आप बार बार बनाएंगे, मेरी गारंटी 110% मेरी गारंटी, आप इसे बार बार बनाएंगे और सबको बेहद पसंद आएगा, बच्चे बड़े सभी को बेहद पसंद आएगा। आप किसी मौके पर, खास मौके पर ऐसे भी आप इसे बना सकते हैं, अगर कहीं जाना हो आप इसे पहले से बना के डब्बा में भर के आप इसे ले जा सकते हैं। आप को लोग तारीफ करते नहीं थकेंगे, आपको यकीन नहीं होगा, आपको यकीन ही नहीं कर पाएगा कि आप इसने खुद बनाया है, खुद लाया है। आप खुद बनाकर सोचने लगेंगे कि हमने खुद ऐसे मिठाई बनाई है चने दाल की। बिना मावा, बिना चाशनी के मिनटों में बनने वाला ये मिठाई बनाना इतना आसान है कि आप जब दिल करे जब चाहे बना सकते हैं फ्रेंड्स। इसे ऊपर से हल्के से छलनी से दबा दें, देखिए ऊपर से हमने यहाँ
पिस्ता और बादाम से सजाए हैं कट करके। अब यहाँ पे आप इसे कट लगा दें। इसमें पहला हल्का कट तब लगाएंगे जब प्लेट में आप इसको सेट करने के लिए फ्रिज में 10 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए, ठंडा होने के लिए रखना पड़ता है। उस समय हल्का कट लगा दें क्योंकि इजली बाद में पीसेज आपके अच्छे से अलग अलग हो जाएंगे। फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। खुशबू तो पूछिए मत, टेस्ट तो पूछिए मत, मैं न दिखा सकती नहीं बता सकती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है और मैं खुद यकीन नहीं कर पा रही थी कि सच में ये मिठाई मैं बनाई हूँ। इतने में झूम रही थी खुशी से कि बता नहीं सकती। फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई करें, मस्ट ट्राई रेसिपी है। आप फ्रेंड्स इस चने की बर्फी को आप इतना आसानी से पहली बार में एकदम परफेक्ट 100% परफेक्ट बना सकते हैं बिना टूटे बिना खराब हुए। आगे भी ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।